अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी शक्शुका की रेसिपी। शक्शुका अंडों का और मसालों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली ये नॉर्थ अफ्रीकन मोरक्को और टूनिशिया में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ये शक्शुका। तो ये बनता है ऑलिव ऑयल में। सबसे पहले यहाँ हम एक पैन में ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने के बाद हम इसमें यहाँ ऐड कर रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो प्याज को हमें ऐड कर लेना है और ऑलिव ऑयल में ही आप ज़रूर पकाएं, इसे सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन के साथ हम इसे मजीद 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी टमाटर का पेस्ट। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे और मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून बारीक पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और नमक। यहाँ हम 1/2 टीस्पून तक तकरीबन ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। मसालों को हमने यहाँ अच्छे से भून लिया है, अब मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें इसके फाइनल पॉइंट पे आ चुके हैं जिसमें हमें ऐड करने हैं अंडे। तो यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे 5 अंडे और अंडों को हमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है, बस हमें इसमें अंडे बहुत ही आराम से ऐड कर देने हैं। और हम इसमें यहाँ 5 अंडे ऐड करेंगे, तो आप भी ये ज़रूर बनाएं। ये ईजी ब्रेकफास्ट सहरी रेसिपी है जिसे आप सहरी में भी बना सकते हैं या नॉर्मल डेज में आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत पसंद आएगा आप सभी को। और इसे खूबसूरत सा लुक देने के लिए हम गार्निशिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया और करेंगे मोटी कुटी हुई मिर्च। और अब हम इसे कवर कर लेंगे और इसे हम कुक करेंगे धीमी आंच पर अंडों के पक जाने तक। तो अंडे यहाँ बिल्कुल पक चुके हैं और शक्शुका यहाँ बिल्कुल रेडी है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इसकी फुल रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर करें। फिर मुलाकात होती है आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।